नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अल्फा रेस्टोरेंट में और आपके साथ मैं हूँ यशी दुबे। हमारे चैनल के जरिए हम अलग अलग तरह की डिफेंस की अपडेट आप तक पहुँचाते हैं और कोशिश करते हैं आपको सटीक और सही जानकारी दें। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मेक इन इंडिया पहल के तहत निर्मित स्वदेशी हथियारों की शक्ति के प्रदर्शन के बारे में और आपको बताएंगे कि ड्रोन और मोबाइल अस्पताल हमारे लिए किस तरीके से फायदेमंद है। अल्फा रेजिमेंट, अर्न यूनिफॉर्म, अर्न रिस्पेक्ट। मेक इन इंडिया पहल के तहत निर्मित स्वदेशी हथियारों की शक्ति का प्रदर्शन इंडो पैसिफिक मिलीपोल इंडिया के 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में किया गया। कार्यक्रम में जो हथियार प्रदर्शित किए गए हैं उनमें से कुछ हथियारों को पहले ही भारतीय सेना में शामिल किया जा चुका है, जैसे कि राफेल, LCA तेजस, अपाचे हेलीकॉप्टर, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर ब्रह्मोस, आकाश मिसाइल, और आने वाले समय में भी कई और हथियार शामिल किए जाएंगे। आंतरिक सुरक्षा को समर्पित इस प्रदर्शनी में संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, वियतनाम, कनाडा, फ्रांस समेत देशों की भागीदारी देखी गई, जिन्होंने ड्रोन, बंदूक और मिसाइलों जैसे अपने नवीनतम प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन किया। आपको बता दें IDF फोर्स के महाप्रबंधक भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए, जिन्होंने इस दौरान मेक इन इंडिया नीति की सराहना की। क्लेरेंस पेचम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेक इन इंडिया नीति की सराहना करते हुए कहा, कई लोग ड्रोन बनाने के लिए भारत पहुंच रहे हैं जिससे रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं और इससे देश की अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिल रहा है। साथ ही उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि सरकार ऐसे नियम बना रही है जो ड्रोन के निर्माण में मददगार साबित होंगे। तो अब जानते हैं कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए ड्रोन क्यों जरूरी बन गया है। जैसा कि आप जानते हैं, ड्रोन एक उभरती हुई टेक्निक है जिसके कई फायदे हैं। खासकर कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए ड्रोन काफी आवश्यक बन गया है। जानकारी के मुताबिक पुलिस के पास ड्रोन इकाई के साथ एक छोटा सा सेटअप है और ड्रोन के अलावा चेहरा पहचानने वाली प्रणाली का भी इस्तेमाल अपराधियों की पहचान के लिए करती है। वही पुलिस ड्रोन का उपयोग भीड़भाड़ या संदिग्ध गतिविधि वाले क्षेत्रों जैसे कि अवैध सभा या नशीली दवाओं के सौदे की निगरानी के लिए भी करती है। इसके अलावा ड्रोन का इस्तेमाल बड़े क्षेत्रों में लापता व्यक्ति या संदिग्ध की तुरंत पहचान करने के लिए भी किया जाता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं मेक इन इंडिया पहल के तहत बने मोबाइल अस्पताल के बारे में। मेक इन इंडिया पहल के तहत एयर वॉइस मार्शल तन्मय रॉय ने एक मोबाइल अस्पताल आरोग्य मैत्री बनाया है जो देश में किसी भी आपदा स्थल पर आसानी से पहुंच सकता है। इस अस्पताल में पीड़ितों को बचाने के लिए सभी सामग्रियों को 72 भागों में विभाजित भी किया गया है, जिससे जरूरत के समय घायलों को कंधे पर साइकिल, स्कूटर, ट्रक या मोटरसाइकिल या किसी अन्य माध्यम से ले जाया जा सके। आपको बता दें, इस पहल के कारण उन जगहों पर पीड़ितों का इलाज जल्दी शुरू हो सकेगा जहां पर ट्रेनर या ट्रक नहीं पहुंच सकते। तो दोस्तों, ये था मेक इन इंडिया पहल के तहत निर्मित स्वदेशी हथियारों के प्रदर्शन, ड्रोन और मोबाइल अस्पताल के बारे में छोटी सी जानकारी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और आपने अभी तक अगर हमारा चैनल अल्फा रेजिमेंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब करें। हम आपसे मुलाकात करेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।